दोस्तों दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो एक्सेल में एक मैक्रो एरर आता है तो उसका हम कैसे सॉल्यूशन करें। देखिए आपने बहुत वीडियो देखे होंगे मैक्रो के लिए, लेकिन क्या होता है कि मैक्रो हम एनेबल कर लेते हैं जब इसमें दिक्कत तब आती है जब हम अपनी फाइल किसी को ईमेल करते हैं दूसरी जगह, जो मैक्रो फाइल होती है वहां जाके वो ओपन नहीं होगी, फर्स्ट टाइम ओपन होगी उसके बाद वो ओपन नहीं होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा सॉल्यूशन मैक्रो का बताऊंगा कि मैक्रो क्यों डिसेबल होते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है। देखिए इस टाइप का आपने मैसेज देखा होगा कि कैन नॉट रन द मैक्रो मे नॉट बी अवेलेबल इन दिस वर्कबुक, ऑल मैक्रो मे बी डिसेबल। अब इसका मतलब ये है कि ये इंटरनेट के जरिए से आता है, उसके बाद क्या होता है कि आप इसमें ट्रस्ट करें या ट्रस्ट ना करें वो कंडीशन होती है। लेकिन हमें फाइल को ओपन करना है, मैक्रो को चलाना है, तो एक कंडीशन में यहाँ पे एक मैसेज आएगा, शुरू में ये मैसेज आता है एनेबल कंटेन के नाम से, तो एनेबल कंटेन कर लेते हैं तो वो फर्स्ट टाइम चल जाता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम उसको ओपन करते हैं तो इस टाइप का मैसेज आ जाता है, उसमें फिर किसी तरह का एनेबल करने का ऑप्शन नहीं देता। और शुरू में एक मैसेज ये भी आता है कि मैक्रो में हैव बीन डिसेबल। तो इसको हम कैसे करें, क्या करें ऐसी कंडीशन में। देखो सबसे पहले मैक्रो की सेटिंग मैं आपको बता दूं कि मैक्रो की सेटिंग हमें करनी कैसे है। मैक्रो की क्या सेटिंग होनी चाहिए एक्सेल 2007, लेकिन 2010 में, 2013, 16, 19 में उसमें क्या होता मैक्रो, उसमें भी हमें एनेबल करने पड़ते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होती है कि जब हम उसमें एनेबल करते हैं तो उसमें क्या होता है ऑटोमेटिकली अधिकतर चल जाते हैं, लेकिन 2007 में नहीं चलेगा वो। जैसे बहुत सी फाइलें देखी होंगी आपने या जो भी हमारे मतलब हमारी फाइलें डाउनलोड की होंगी या मैंने आपको ईमेल की होंगी, तो कुछ फाइलें ऐसी हैं जो 2007 में नहीं चलती। तो वो इसका सॉल्यूशन है ये पूरा कि 2007 में क्यों नहीं चलती, उसका क्या कारण है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे डेवलपर टैब है, आपने ये देखा कि यह शुरू में डेवलपर टैब है। अब डेवलपर टैब नहीं भी है आप तो ऑफिस बटन में आपने क्लिक करना है, एक्सेल ऑप्शन में आना है, एक्सेल ऑप्शन में आने के बाद ट्रस्ट सेंटर में आना है। लेकिन ट्रस्ट सेंटर की आपने बहुत सेटिंग की होगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी सेटिंग और इसमें एक आपका रजिस्ट्री सेटिंग होगी जिसके माध्यम से सारी फाइलें ओपन होंगी आपकी। मैक्रो सेटिंग सिर्फ आपने इसमें, भले ही आप इसमें ऐसा ही छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी वो काम करेगा, लेकिन इसको फिर भी आप एनेबल ऑल मैक्रो कर लें, ट्रस्ट कर लें, एक्टिव एक्ट को भी एनेबल कर लें, सेफ मोड को भी लगा लें। पब्लिशर, लोकेशन, ये बहुत सारा चीज़ें होती हैं इसमें, लेकिन इसको ऐसे ही छोड़ दें आप, कुछ नहीं करना आपने, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आता है ओके कर लेना आप, इसको ओके कर लिया। अब हमने करना ये है कि हमने चलना है एक यहाँ पे स्टार्ट में आना है। अगर आपके पास विंडो 7 है, विंडो 8 है, 8.1 है या विंडो 10 है, तो आपको सिंपल विंडो की दबानी है और आर दबाना है, यानी कि रन कमांड इसमें शुरू करनी है और यहाँ पे लिखना है रेगेडिट। अभी आपने लिखा यहाँ पे रेगेडिट और इसको ओके किया, तो जैसे ही आपने रेगेडिट ओके किया मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से आएगा। अब हमने करना क्या है इसमें, वैसे मैंने इसमें कर रखा है सेटिंग वो, इसलिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं देगा। एच के करंट यूज़र में आपने आ जाना है, इसको यहाँ से आपने खोल लेना है। जब आप इसको खोलेंगे तो नीचे आएंगे, ये है सॉफ्टवेयर, इसको भी आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। ये जो हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, इसके बाद हमने आना है माइक्रोसॉफ्ट में, इसको भी ओपन कर लेना है और उसके बाद आ जाना है आपने ऑफिस में, इसको भी आपने ओपन कर लेना। तो देखिए मेरे पास ऑफिस के कई सारे वर्जन हैं, लेकिन आपने 12.0 जो भी आपके वर्जन आ रहे हैं, अगर एक्सेल 2007 होगा तो 12.0 के नाम से आएगा, इसको आपने यहाँ से ओपन करना है, एक्सेल में आ जाना है। अब जैसे ही हम एक्सेल में आएंगे इसको भी ओपन करना है आपने, सिक्योरिटी में आना है और यहाँ पर आपने, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे आपने एक करना यह है कि आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू में आना है, डी वर्ड 32 बिट वैल्यू, ये आपने एक ले लेनी है,
ये लेने के बाद आपने करना है इसको रिनेम, और यहाँ पे मैं एक नाम इसमें दे देता हूँ, वो आपने यहाँ पे मैं इसका नाम ये बता देता हूँ, एक्सेल बाईपास एनक्रिप्टेड मैक्रो स्कैन, इसको आपने यहाँ पे ले लेना है, और इसमें किसी भी तरह का कोई स्पेस ना हो, सीधे इसी तरह से लेना है और क्लिक कर देना आपने। अब इसके बाद इसमें राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, और जीरो की जगह आपने ये ध्यान देना है कि वन कर लेना है। वन करने के बाद आपने, अब इस चाहें तो आप इसका बैकअप बना लें पहले ही, इसको जो है जो इसकी रजिस्ट्री है उसको इससे पहले ही एक्सपोर्ट कर लें, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशन में विंडो करप्ट होने की भी दिक्कत आ जाती है। वैसे तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आ भी सकती है, तो उसका आप बैकअप ले लें। वैसे सबसे बढ़िया सोल्यूशन है, अभी तक तो मेरे सामने कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं जिससे कि विंडो में कोई दिक्कत आई हो या ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये आपने सेटिंग करनी है, बस इतनी सेटिंग। अभी आप कोई भी फाइल एक्सेल 2010 की हो, 13 की हो, वो आप 2007 में चला सकते हैं बहुत इजीली। अब मैं एक फ़ाइल आपको खोल के दिखाता हूँ, जैसे ये है फाइल, यहाँ से आपका ये कैलेंडर ऑटोमेटिक चल के आ जाएगा। या मैं आपको दूसरी फाइल दिखाता हूँ, ये सब मैक्रो फाइलें हैं जिसमें कई कंडीशन में मैक्रो का मैसेज दे देती है। अब यहाँ पे आपने ये आपका तो ये चीज़ें हैं। अभी इसमें मैक्रो सिक्योरिटी में आपने ये चीज़ ध्यान देनी है कि ये आपने अगर डिसेबल ऑल मैक्रो आपने कर दिए हैं, ये इस टाइप से जो ये रहता है, इसको अगर आप ऐसे भी छोड़ दें तो क्या होगा कि जब आप, मैं फ़िलहाल इसको बंद कर देता हूँ, अभी मैंने जैसे ये खोला तब भी ये आपका आसानी से चल जाएगा, जो मैक्रो होंगे वो आसानी से चल जाएंगे। इसमें आप किसी भी तरह के जो हमारा बड़े भी हैं वो भी आपके चल के आ जाएंगे। ये आपके आसानी से चल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ही करना है और आपकी सारी फाइलें ऑफिस 2007 में आसानी से चल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको आपने लाइक ज़रूर करना है और कमेंट करना है, शेयर करना है, जिससे कि ये सारी जानकारी आपको आसानी से मिल जाए।